ये है व्यू Masterpiece पीस ग्लो टीवी और इस टीवी के आपने बहुत सारे कंपेरिजन आज तक देखे होंगे जिसमें सैमसंग फ्रेम के साथ इसे कंपेयर करके इसकी पिक्चर क्वालिटी को ज्यादा बेहतर बताया गया होगा या फिर सोनी के साथ कंपेयर करके उसकी पिक्चर क्वालिटी को भी थोड़ा हल्का बताया गया होगा लेकिन डोंट वरी ये वीडियो वैसा नहीं है इस वीडियो के अंदर आपको ट्रू व्यू देखने को मिलेगा क्योंकि मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और मैं व्यू मास्टर ग्लो का आपको अनकंफर्टेबल ट्रूथ इस वीडियो में आगे बताने जा रहा हूं वीडियो को देखने वाले दो टाइप के लोग होंगे एक जिन्होंने एक्चुअली में टीवी खरीदना है और दूसरे जो टेक एंथजियास्ट हैं और वो जानना चाहते हैं कि टीवी वाकई कैसा है और उसके ट्रू व्यू के अंदर कैसा अनकंफर्टेबल ट्रूथ निकल के आता है वही मैं आपको बताऊंगा लेकिन दोनों टाइप के लोगों को एक ही नसीहत अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो आप वो की डिटेल्स मिस कर जाएंगे जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं और आपके सारे सवालों के जवाब जो आप मुझसे जानना चाहते हैं वो इसी वीडियो में आपको मिलने वाले हैं लुक्स आपने की बहुत बार देखी होंगी दिखा के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था लेकिन फिर भी आपको दिखाना चाहता हूं ये टीवी मेटल बॉडी के साथ आता है ठीक उसी तरह जिस तरह तोशीबा क्यूलेट भी एक मेटल बॉडी के साथ आता है एंड जानते हैं कैसे पता हमें मैग्नेट टेस्ट से बॉडी ये होती है जिसमें मैग्नेट में लगा के आपको दिखा रहा हूं पीछे का जो ये ये कवर है जनरली मोस्ट ऑफ द टीवी में प्लास्टिक का ही दिया जाता है मुझे कोई शौक नहीं है कि, कि किसी प्लास्टिक बॉडी के टीवी को आपको मेटल बॉडी का बताऊं या फिर ये जरूरी नहीं है कि मैं हर टीवी के पीछे पहले आपको मैग्नेट लगा के ये प्रूव करूं कि ये मेटल बॉडी ही है दोस्तों मेरी कमाई होती है अफिलियट कमीशन से और यह बात मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं वो अफिलियट कमीशन मुझे किसी भी टीवी से मिल सकती है चाहे व्यू से चाहे तोशिबा से चाहे हाईसेंस एल जी सोनी सैमसंग किसी से भी मुझे आपको एक अच्छा प्रोडक्ट रेकमेंड करना होता है आपकी जरूरत के हिसाब से आप अगर अपने प्रोडक्ट को लेके खुश होते हैं तो आप मुझे थैंक यू भी बोलते हैं और मैं भी उससे कमीशन के द्वारा ऐसे प्रोडक्ट्स को खुद खरीद के आपको ऐसे रिव्यूज दिखा पाता हूं जिसे मैं बोलता हूं ट्रू व्यू और वो आपको किसी और चैनल पे नहीं देखने को मिलेंगे और ये मेरी गारंटी है आपको आप सोच रहे होंगे कि मैंने तोशीबा क्यूले टीवी को इस वीडियो के अंदर क्यों दिखाया आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए और इन दोनों टीवी के अंदर काफी कुछ कॉमन है इसलिए अब आगे आगे देखिए आपको बहुत कुछ कॉमन चीजें दोनों ही टीवीज के अंदर मैं दिखाने वाला हूं वैसे तो आप लोग जानते ही हैं लेकिन फिर भी बताता हूं कि इसके अंदर आपको बहुत थिन बेजल डिजाइन देखने को मिलता है मेटल के बेस स्टैंड्स मिलते हैं अगर आपने इसे टेबल माउंट करना है तो लेकिन अगर आपने इसे वॉल माउंट करना है तो आपको बॉक्स में ही वॉल माउंट साथ में देखने को मिलेगा एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग आपको कनेक्टिविटी ऑप्शन के अंदर चार एच पोर्ट्स मिलेंगे दो यूएसबी पोर्ट्स मिलेंगे सारी लगभग सारी कनेक्टिविटी ऑप्शन आपको टीवी के एक ही साइड पर देखने को मिलेंगी लेकिन चार एच पोर्ट्स में से दो वन ट्वेंटी को सपोर्ट करते हैं यानी 4K के एट वन उन दोनों में से एक एच डी पोर्ट है जैसे ही आप के पोर्ट से अपने गेमिंग कॉन्सोल को लगाएंगे यू विल गेट दी सपोर्ट ऑफ ऑटोलोलेटेंसी मोड एंड ट्वेंटी हर्ट एंड द्यूटिफुल फालतू की बातें खत्म और सीधा आप बढ़ते हैं पैनल के ऊपर इस टीवी के अंदर आपको आईपीएस क्यूलेट पैनल देखने को मिलता है एंड इट इज अ फैंटेस्टिक पैनल ये मेरे हिसाब से 8 बिट एफ पैनल है गिव्स यू 10 बिट कलर डेप्थ बट इट इज नॉट अ 10 बिट पैनल आपको इस टीवी के अंदर जो पीक ब्राइटनेस मिलती है उसे जरा देखिए और जैसे आपने देखा इस टीवी की पीक एच ब्राइटनेस आई 620 हंड्रेड बट वेट हम ब्राइटनेस टेस्ट करते कैसे हैं ये भी आपको दिखाता हूँ हम टेस्टिंग के दौरान बैकलेट को हमेशा 100 पे रखते हैं और पिक्चर मोड को डायनामिक पे और उसके बाद करी जाती है ब्राइटनेस चेक गलती हो गई ना मुझसे 629 हंड्रेड ये है पीक एच ब्राइटनेस यहाँ पे पीक वर्ड को बहुत ध्यान से समझिए अपने आप में ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है यानी मैक्सिमम जितना एक पैनल ब्राइटनेस दे सकता है वो मैंने आपको बताई इसी तरह से मैंने आपको तोशिबा क्यूलेड टीवी के अंदर भी पीक एच ब्राइटनेस बताई थी देखिए ये रहा तोशिबा टीवी और ये रही तोशीबा क्यूलेड टीवी की पीक एच ब्राइटनेस और ये रही इसकी वही पिक्चर सेटिंग्स तो शिबा क्यूलेट टीवी के अंदर भी थोड़ी गलती हुई थी उसमें मैंने आपको 517 हंड्रेड की ब्राइटनेस बताई थी लेकिन एक्चुअली में है हंड्रेड एट्टी आई एम सॉरी आगे से ज्यादा केयरफुल रहूंगा और ध्यान से बोलूंगा दोस्तों जरूरी नहीं कि हर बार मैं आपको हर टेस्टिंग को करके दिखाऊं मैं ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबे बनाता हूं और मेरी यही कोशिश रहती है कि कम से कम स्क्रीन टाइम यूज करते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स दे सकूं इसलिए आपको टेस्टिंग करके नहीं दिखाता लेकिन उसके रिजल्ट बता देता हूं ताकि आप खुद एक सही डिसीजन ले सके एक सही प्रोडक्ट को लेने का और डिसीजन आप लेते हैं किसी भी टीवी की ब्राइटनेस या फिर किसी भी टाइप की टेस्टिंग को देखने के बाद अब इस पैनल की बात करते हैं और इस पैनल के अंदर आपको एच डी आर टेन एच डी आर टेन प्लस वजन और एच एल जी की सपोर्ट देखने को मिलेगी तो सबसे पहले हमने इस टीवी से डॉल्बी वजन की परफॉर्मेंस को चेक किया नेटफ्लिक्स पे जब आप Dolby विजन का कंटेंट इस टीवी में देखेंगे तो आपको डिटेल्स में कहीं पे भी कोई कमी नहीं दिखेगी एंड यू विल गेट वेरी शार्पर इमेजेस विद लॉट्स ऑफ डिटेल्स एंड नो लैक ऑफ ब्राइटनेस कैन बी सीन इन एनी ऑफ द सीन्स और यही सबसे ज्यादा शानदार बात होती है क्योंकि डॉल्बी विजन के कंटेंट के अंदर अगर आपको अच्छी ब्राइटनेस एक पैनल दे पा रहा है आपको डिटेल्स अच्छी दिखाई जा रही हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात एच डी आर परफॉर्मेंस यानी हाई डायनामिक रेंज अगर एक टीवी बहुत अच्छे से दिखा पा रहा है दैट इज द ब्यूटी एंड दिस पैनल इज certainly शोइंग यू वेरी वेरी गुड HDR performance आर परफॉर्मेंस एंड बहुत अच्छी बात है ये Amazon Prime best platform है HDR10 Plus की performance को check करने का और जब हमने इस TV की performance को Amazon Prime पे check किया then we were really really happy. Colors were very very good, details were very sharp और आप किसी भी तरीके से disappoint नहीं होंगे HDR10 performance के अंदर भी. In fact जो आप देख रहे थे वो HDR10 Plus performance है and that was amazing. आपको किसी type की कोई भी परेशानी नहीं होगी but आधे से ज़्यादा India तो SD और HD channels भी देखता है. एस डी चैनल जब हमने इस टीवी पे लगाए देन वी वर लेफ्ट हाईली डिसेड इस टीवी की एस डी अपस्केलिंग बहुत ज्यादा अच्छी मुझे नहीं लगी बाकी किसी भी और टीवी के मुकाबले एंड आई डोंट नो द रीजन वाई AI upscaling view कहता जरूर है लेकिन मुझे इस टीवी के अंदर बहुत शानदार अपस्केलिंग पर्टिकुलरली एस डी देखने को नहीं मिली इनफैक्ट आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद डी चैनल परफॉर्मेंस ऑल्सो एंड लेट मी टेल यू कि हम एच डी सेट टॉप बॉक्स से सभी टाइप के एस डी और एच डी कॉन्टेंट को प्ले करते हैं आप एच डी चैनल्स की परफॉर्मेंस को देखिए आपको बहुत ज्यादा मजा नहीं आएगा पिक्चर क्वालिटी के अंदर Said that, मेरे हिसाब से इस टीवी को खरीदने वाले एस और एच चैनल्स देखने वाले शायद बहुत कम ही लोग हों कमिंग टू सॉफ्टवेयर पार्ट इस टीवी के अंदर आपको एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है आपको थ्री जी रैम मिलती है जिसे हम टेस्ट नहीं कर सकते लेकिन आपको सिक्सटीन जी की स्टोरेज देखने को मिलती है जिसमें आपको यूजेबल स्टोरेज अप्रोक्सीमेटली सेवन जी के आसपास देखने को मिलेगी

बट यू कैन डाउनलोड अ थर्ड पार्टी के कलर्स और ब्लैक्स के बारे में तो आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले आपको एक और खास बात बताता हूं इस पैनल की कि ये एक फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल है और इसके डिमिंग जोन्स को हमने भी कैलकुलेट किया और मेरे हिसाब से इस टीवी के डिमिंग जोन्स हैं 32. आप में से कई लोग डिबेट कर सकते हैं कि इस टीवी के अंदर 28 डिमिंग ज़ोन्स हैं 32 नहीं मैं आपकी बात से सहमत हूं भी और नहीं भी उसका कारण यह है कि हॉरिजॉन्टल ज़ोन्स में फर्स्ट ज़ोन को भी कैलकुलेट किया जाता है ये एक बहुत ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक है और एज पर दी कंपनी हु मेड दीस पैनल्स उन्होंने भी इसके अंदर 32 ज़ोन्स ही डिक्लेअर किए हैं एंड यही सेम चीज मैंने तो शिबा क्यूलेट टीवी के अंदर भी आपको बताई थी उसके वीडियो में उस टीवी के अंदर भी 32 टू जोन है उसी फॉर्मूला के हिसाब से और आप चाहें तो ये बात ब्रांड से कंफर्म कर सकते हैं मेरे पास तो ब्रांड से कंफर्मेशन है कि उनकी टीवी के अंदर 32 टू डिमिंग जोन्स हैं Vivo Masterpiece Glow एक 120 Hz के पैनल के साथ आता है एंड इट इज अ डिलाइट फॉर गेमर्स व्हाई एम आई सेइंग दिस क्योंकि इसके अंदर आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड भी देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको VRR भी देखने को मिलेगी 120 Hz की इसके साथ-साथ आपको AMD FreeSync भी देखने को मिलेगा नाउ अंडरस्टैंड दिस कि आपको पीछे दो HDMI पोर्ट्स मिल रहे हैं जो कि सपोर्ट करेंगे 4K एट 120 Hz अगर आपके पास एक गेमिंग कॉन्सोल है लुक नो फर्दर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टीवी दैट यू कैन गेट इन दिस प्राइस रेंज मेरे पास एक गेमिंग कॉन्सोल नहीं है अनफॉर्चुनेटली मैं आपको गेमिंग का एक प्रीव्यू नहीं दिखा सकता बट ऑल आई कैन से इज कि द ब्रांड इज सेवन मिली सेकेंड रिस्पॉन्स टाइम फ्रॉम दिस टीवी एंड दिस इज गोइंग टू रॉक

जबकि आप यही फुटेज अगर बिना इन सेटिंग्स के देखेंगे तो आपको मोशन ब्लर बहुत ज्यादा नोटिसेबल होगा एंड दैट इज एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आपको मूवीज के अंदर या किसी भी कॉन्टेंट के अंदर मोशन ब्लर को रोकना है इन सेटिंग्स को अप्लाई करिए एंड यू विल गेट दी बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम दिस पैनल एंड दैट इज वाई दिस इज अ वंडरफुल थिंग फॉर ऑल दो पीपल जो पर्टिकुलरली गेमर्स हैं या फिर जिनको मोशन ब्लर की बहुत ज्यादा शिकायत होती है अपने टीवीज में मेरे हिसाब से the are fantastic. They are slightly over -saturated. आपको red, थोड़ा सा over -saturated देखने को मिलेगा बट दैट इज नॉट थिंग पर से इसलिए क्योंकि आपको जो विविडनेस कलर्स में दिखेगी जो आपको ब्राइटनेस इस टीवी के अंदर मिलती है सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी थर्टी की जो आपको रिचनेस कलर के अंदर दिखेगी वो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी जैसे ही आप टीवी को पहली बार ऑन करेंगे यू विल से वाओ बिकॉज द टीवी इज वेरी ब्राइट एंड द टीवी इज वेरी यू नो गिविंग यू वेरी पंची कलर्स एंड दैट इज वॉट यू वॉन्ट इसलिए मुझे कलर्स में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आई बट वेन यू टॉक अबाउट ब्लैक्स आई हैव अ यू नो बिट ऑफ अ प्रॉब्लम बिकॉज व्यू के हिसाब से वन लैक इज टू वन की कॉन्ट्रास्ट रेशो एंड आई एम अनएबल टू डाइजेस्ट दैट काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट रेशो इस टीवी के अंदर ब्लैक्स आर ओके बिकॉज आईपीएस पैनल है आईपीएस पैनल के अंदर आप बहुत ज्यादा डीप ब्लैक्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दैट इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल बट आई थिंक ये उतनी अच्छी कॉन्ट्रास्ट पैनल बिल्कुल भी नहीं है लेट लेटेस्ट डू अ क्विक कंपेरिजन विद तोशीबा क्यूलेट टीवी उसके ब्लैक्स के साथ इसे कंपेयर करते हैं अगर आप इन दोनों ही टीवी के अंदर ब्लैक्स का कंपेरिजन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि व्यू के ब्लैक्स थोड़े से बेटर हैं ये थोड़े से बेटर हैं। ये इतने बेटर नहीं हैं कि आपको जमीन आसमान का फर्क दिखा रहे हो वी और आई पैनल जैसा फर्क दिखा रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बट अगर हम ब्लैक्स टेस्ट कर रहे हैं वाई नॉट डू ब्लूमिंग टेस्ट लेट्स डू इट आप अगर वी की ब्लूमिंग देखेंगे तो आपको थोड़ी सी ज्यादा नोटिसबल होगी अगर आप तोशीबा के साथ उसे कंपेयर करेंगे तो और इस फर्क को आप आराम से समझने की कोशिश करें तो शीबा क्यूलेट के मुकाबले वी के अंदर ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा तो है लेकिन डिमिंग जोन्स बहुत ज्यादा नहीं है ये 120 ट्वेंटी का पैनल होते हुए भी कम डिमिंग जोन्स के साथ आता है जिसकी वजह से बहुत इवनली जो डिस्ट्रीब्यूशन है ब्राइटनेस का वो हो नहीं पाता और ब्लूमिंग आपको देखने को मिलती है इस पैनल से एंड दैट इज वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू बट क्या यह बहुत बड़ी चीज है अकॉर्डिंग टू मी नॉट एट ऑल बिकॉज आप ये ब्लूमिंग टेस्ट नहीं देखने वाले हैं हर रोज आप इस तरह से ब्लूमिंग को चेक नहीं करेंगे आप एक नॉर्मल कॉन्टेंट देखेंगे और नॉर्मल कॉन्टेंट के अंदर आपको इतनी ज्यादा नोटिसबल ब्लूमिंग नहीं देखने को मिलेगी इस टीवी के अंदर या फिर किसी और टीवी के अंदर लेट से फॉर एग्जाम्पल तोशीबा क्यूलेट के अंदर आपको अगर एक नॉर्मल कंटेंट देखने के लिए टीवी लेना है देन यू कैन गो फॉर दिस वन बट डिस टीवी हैज ब्लूमिंग इश्यूज यस इट डज और ये सभी फुल अरे पैनल आपको देखने को मिलेंगे जिनमें सॉरी इतने कम डिमिंग जोन होंगे इस टीवी की हमने यूएस बी से भी अपस्केलिंग की परफॉर्मेंस को चेक करने की कोशिश करी एंड वी वर लेफ्ट लिटल डिस नो वी मास्टर पीस ग्लो के अंदर ए आई अपस्केलिंग की बात करी है एंड वॉट इज दैट बिकॉज 1.5 पॉइंट टेराबाइट की हार्ड ड्राइव को जब हमने कनेक्ट करके इससे अलग अलग टाइप के वीडियो फॉर्मेट्स को प्ले किया तो आप अगर देखेंगे 720p के फॉर्मेट को तो ना तो वो इतनी अच्छी तरीके से अपस्केल हो रहा था उसमें हमें थोड़ी पिक्सलेशन देखने को मिली और कुछ ऐसा ही हमें 1080p के कंटेंट में भी देखने को मिला हाँ पिक्सलेशन थोड़ी कम हुई एंड एस्पेक्ट रेशो हम दोनों ही फॉर्मेट्स में चेंज नहीं कर पा रहे थे बट उसके बाद हमने 4K वीडियो को प्ले करने की कोशिश करी इस टीवी के अंदर क्योंकि उसके अंदर कोई अपस्केलिंग नहीं होती तो वो वीडियो जितने शानदार तरीके से प्ले हुआ आई आई टेल यू यू हैव टू शो दैट गिव इट अ वॉच मेरी और आप में से कई लोगों की वन ऑफ द फेवरेट मूवीज एवेंजर्स की इस टीवी के अंदर परफॉर्मेंस को ये टीवी बहुत शानदार तरीके से ऑब्वियसली प्ले कर पा रहा है फोर वीडियो को यूएस के थ्रू बट ओवरऑल अगर मैं अपस्केलिंग के लिए इस टीवी को मार्क्स दूंगा तो देर बी 6.5 पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन इस टीवी के व्यूइंग एंगल्स बहुत ज्यादा शानदार हैं क्योंकि ये आईपीएस क्यूलेट पैनल है आपको बिल्कुल एक्सट्रीम साइड ऑलमोस्ट जहां पे मैं खड़ा हूं इस समय टीवी से वहां जाने पे भी 10 टू 15 परसेंट का कलर और ब्राइटनेस लॉस देखने को मिलेगा एंड दैट इज बेस्ट पार्ट इन एनी आईपीएस पैनल आपको व्यूइंग एंगल्स बहुत ज्यादा शानदार देखने को मिलते हैं आपको बहुत मजा आता है बिल्कुल रूम के कोनों में बैठ के उसी पिक्चर क्वालिटी को एंजॉय करने का एक और चीज मुझे इस टीवी के अंदर देखने को मिली एंड नॉट सो सरप्राइजिंगली क्योंकि ये एंड्रॉयड टेन ओ के साथ आता है इस ओ के अंदर यूट्यूब ऐप में बग नहीं है ड इट वेरी केयरफुली अगर आप एंड्रॉइड 11 यानी गूगल ओ के टीवी को लेंगे तो उसके यूट्यूब एप में एक टेम्पररी बग है जो गूगल की तरफ से ही सॉफ्टवेयर ओ अपडेट से ठीक होगा बट इस टीवी के अंदर वो बग नहीं है अगर आप फोर के रेजोल्यूशन के अंदर कोई भी वीडियो देखेंगे देन यू विल गेट दिमिलर पिक्चर क्वालिटी एज वॉट यू विल गेट इन अ लोअर रेजोल्यूशन आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली कलर प्रोफाइल ग्रे यूनिफॉर्मिटी भी हमने इस टीवी की चेक करी एंड अकॉर्डिंग टू मी द ग्रे यूनिफॉर्मिटी इज ओके हमने ट्वेंटी परसेंट फोर्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट एट्टी परसेंट और हंड्रेड परसेंट ग्रे यूनिफॉर्मिटी के टेस्ट रिजल्ट्स में यह पाया किस टीवी के अंदर यूनिफॉर्म ग्रेस तो हैं लेकिन उतने ज्यादा अच्छे से यूनिफॉर्म नहीं हैं जो आपको शायद किसी कंपटीशन टीवी के अंदर देखने को मिलेंगे हैविंग सेड दैट मेरे हिसाब से इसका स्कोर होगा एप्रोक्सीमेटली 7 आउट ऑफ 10 और आपको इस टीवी के अंदर वनीटिंग देखने को मिलेगी वनीटिंग होती है एजेस पे हल्का-हल्का ब्लैक स्क्रीन आना एंड दैट इज वेरी वेरी कॉमन इन ऑल द टीवीज वो आपको देखने को मिलती है बट यूनिफॉर्मिटी ऑफ द ग्रे इज नॉट वेरी इंप्रेसिव बट इज इट अ टू बैड थिंग नॉट रियली ऑडियो क्वालिटी की बात करें बात कौन करता है सुनाता हूं आपको जल्दी से सुनिए अच्छी लगी ऑडियो क्वालिटी मुझे भी बहुत अच्छी लगी इससे पहले मैंने तोशीबा क्यूलेट टीवी के अंदर आपको ये कहा था कि उसमें बेस्ट ऑडियो क्वालिटी लगी मुझे उस डेट तक लेकिन आज फिर से मैं चेंज करता हूं। इस टीवी के अंदर यानी पीस ग्लो के अंदर मुझे बेस्ट ऑडियो क्वालिटी लगी यस तोशिबा क्यूलेट से बेटर ऑडियो क्वालिटी आपको इस टीवी के अंदर देखने को मिलती है एंड फॉर द सिंपल रीजन दोनों के अंदर सबूफर सेम है दोनों का बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल सेम है और दोनों की बैक भी आप देखेंगे बिल्कुल सेम है स्पीकर्स भी सेम है लेकिन तोशीबा के अंदर दो स्पीकर्स लगे हैं और इसके अंदर लगे हैं चार एंड दैट इज दी ओनली डिफरेंस व्हिच इज व्हाई यू आर गेटिंग मोर ऑडियो आउट ऑफ दी स्पीकर और उसका असर ये होता है कि आपको अगर एक एवरेज से बड़े साइज के रूम के अंदर इस टीवी को लगाना है देन यू मे नॉट नीड अ साउंड बार और अ होम थिएटर एट ऑल अनलेस आपको एक सिनेमेटिक एक्सपीरियंस चाहिए हो और आपको एक एक्चुअली थिएटर हॉल वाला एक्सपीरियंस अपने रूम में चाहिए हो तो फॉर मोस्ट ऑफ द यूजर्स दिस टी वी इज अ परफेक्ट चॉइस इन टर्म्स ऑफ ऑडियो क्वालिटी ओनली नो लेटॉक उसके बाद आपको एक छोटा सा कंपेरिजन करके भी दिखाऊंगा ये टीवी अप्रोक्सीमेटली आज की डेट में कॉस्ट कर रहा है सेवनटी थ्री थाउजेंड रुपीज के आसपास एंड छोटा सा कंपेरिजन आपको इस समय तोशिबा क्यूलेट फिफ्टी थ्री थाउजेंड रुपीज के आसपास कॉस्ट कर रहा है अब इन दोनों का कंपेरिजन मैं क्यों कर रहा हूँ आप ध्यान से देखिए स ग्लो के अंदर आपको एक ऐसा पैनल मिलता है जिसमें आपको 620 से 30 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है तो शिबा क्यूलेट के अंदर आपको 580 निट्स की ब्राइटनेस इन दोनों ही टीवी के अंदर अगर हम सेम पिक्चर सेटिंग सेम पिक्चर प्रोफाइल को सेट करने के बाद अगर सेम वीडियो चलाते हैं तो किसकी पिक्चर क्वालिटी ज्यादा अच्छी है मैं इसका डिसीजन आप पे छोड़ देता हूं मेरे हिसाब से दोनों नेक और नेक हैं और दोनों ही टीवीज़ एक दूसरे से ना तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और ना ही बहुत ज्यादा बुरे एक प्राइमरी डिफरेंस है जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना है व्यू मास्टर पीस ग्लो उन लोगों के लिए परफेक्ट टीवी है जो एक गेमर है यानी जो गेमिंग के लिए अपने टीवी को खरीदना चाहते हैं या गेमिंग भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है उनके लिए अगर आपका गेमिंग बहुत बड़ा एस्पेक्ट नहीं है इफ यू डोंट वांट टू यूज प्ले स्टेशन विद योर टीवी तो आप आराम से बीस हजार रुपए बचा सकते हैं और आप सिमिलर पिक्चर क्वालिटी एंड लेट मी लेटमी नेट्स, थर्टीन नेट्स या फिफ्टीन नेट्स की ब्राइटनेस से पीक ब्राइटनेस से बिल्कुल भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपकी टीवी की पिक्चर क्वालिटी के अंदर अंडरस्टैंड दिस फॉर्मेंस आप एच डी आर परफॉर्मेंस दोनों ही टीवी की एक बार फिर से देखिए अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम पिक्चर सेटिंग्स द सेम पिक्चर प्रोफाइल एंड बोथ दीज टीवीज आर परफॉर्मिंग नेक ऑन नेक न डिसीजन पूरी तरह से आपका है क्योंकि पैसा आपका है और आपने अपनी जरूरत को देखना है अगर आपने एस डी और एच डी चैनल्स को देखना है दिस इज नॉट द राइट टीवी फॉर यू अगर आपने यूएस बी सेवन ट्वेंटी पी या टेन एटी पी के कॉन्टेंट को देखना है दिस इज नॉट द राइट टीवी फॉर यू अगर आपने गेमिंग करनी है दिस इज द देश वी फॉर यू इन दिस प्राइस रेंज और आपको इस टीवी को इसी प्राइस रेंज पे आने वाले टीवीज़ के साथ कंपेयर करना चाहिए मैंने अपने तोशिबा क्यूलेट टीवी के वीडियो में बहुत क्लियरली कहा था कि उस प्राइस रेंज में आने वाले सभी टीवीज़ में मेरे हिसाब से तोशिबा क्यूलेट इज बेस्ट एंड आई स्टिल मीन दैट अगर आपने तोशिबा क्यूलेट के प्राइस को देखना है फिफ्टी के आसपास तो वहां पर वो बेस्ट है लेकिन यहाँ पे जहाँ 72, 73,000 है वहाँ पे बहुत सारे और प्लेयर्स हैं एंड लेट मी टेल यू इफ यू आर कंसिडरिंग एंड कन्फ्यूज बिटवीन दिस एंड एनी गुड सोनी मॉडल सोनी इज फार बेटर बहुत ज़्यादा बेटर टीवी है और मैं उसका कंपैरिजन भी बहुत जल्दी लेके आऊँगा ताकि आपको और थोड़ी क्लैरिटी दे सकूँ मैंने इस वीडियो में अभी तक आपको ये नहीं बोला कि मेरे लिंक को यूज़ करके अपनी परचेज़ को पूरा करिएगा जानते हैं क्यों क्योंकि टेक्नोलॉजी मेरा पैशन है मैं जब तक जिंदा हूं तब तक आपको सिर्फ ट्रू व्यू ही दिखाऊंगा इस चैनल पे और आपको इसीलिए किसी भी ब्रांड का रिव्यू यूनिट यहां पे नहीं मिल सकता अगर आपको लगता है कि आपने एक अच्छा रिव्यू देखा तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में और आपने अगर अपनी टीवी की परचेज को पूरा करना हो तो आप जानते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे एफिलिएट लिंक्स मिलेंगे और वी एम वन टी लिस्ट के अंदर आपको वो लिंक्स मिलेंगे जब अपनी टी वी की परचेज को पूरा करना हो तब उसे यूज़ करिएगा और इस चैनल की मदद करिएगा ताकि ऐसे ट्रू व्यू आप तक हम बिना झिझक और बिना किसी डर के लाते रहें मैं आपको दोबारा मिलता हूँ फिर अपने एक ट्रू व्यू में बहुत ही जल्दी थैंक यू वेरी मच